के बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्जाम में अडियाला जेल का साबिक डेप्टी सुप्रिटेंडेंट जेर हिरासत है। मोहम्मद अकरम को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया। साबिक अफसर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। असासदारों की तरफ से ये तफसीलात ये हैं कि पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। असासदारों की साबिक डेप्टी सुप्रिटेंडेंट से तहकीकात जारी हैं। आईजी जेल खानाजात को भी आगाह किया गया है। तहकीकात के बाद महकमाना कार्रवाई भी होगी। ये तफसीलात सामने आई हैं। हसास अदारों की साबिक डेप्टी सुप्रिटेंडेंट से तहकीकात जारी हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी दारों ने अडियाला जेल के साबिक डेप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया। मोहम्मद अकरम को अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया। जराये का बताना है कि साबिक डेप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्जाम है और इसी सिलसिले में तहकीकात जारी है। सिक्योरिटी दारों की जानिब से आईजी जेल खानाजात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। तहकीकात के बाद साबिक डेप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि डेप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका था।